forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dark. What's up, people? Welcome back to my channel. So today we are with the monster truck, the Isuzu V-Cross, and ये actually पूरा modified है. And सबसे पहली चीज़, ट्रक का नाम है अरान. As you can see नीचे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ. And इस पर इतने mods हुए, मैं वो क्या बताऊँ. सबसे पहला mod तो ये जो पीछे स्टीकरिंग है फीनिक्स की, आप ये देखो. उसके बाद आप ये रडार के टायर्स देखो. एंड ये पूरा 6 इंच का डिस्टेंस है, ऊपर नीचे कितनी ऊंची हो रखी है. थोड़ा दूर से आप लोगों को दिखाता हूँ, काइंड ऑफ. अभी एक्चुअली हाईवे पे, यहाँ पे ज़्यादा दूर जा नहीं सकता. अंकल का रिएक्शन इज चल, देख रहे हैं ट्रक को अच्छे से. जैक हैमर जैसे देख सकते हैं आप, ये ज़्यादा पीछे ही है. यहाँ पे हमारी निंदा 1000 जो है वो जाती है. भैया जब जाते हैं ट्रैक करने, वो खड़े हैं भैया. एंड इट्स 4x4. रेस्ट ट्रक बहुत ही ऑसम है, आपको आगे से दिखाता हूँ. एंड एक बार आप राइड कर लोगे ना तो बिल्कुल पागल हो जाओगे. एंड इंडिया में शायद एक ही है जिसमें सनरूफ है इसुजु में. सो इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम लगा है, HKS का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट. जैसे नीचे देख सकते हैं आप, ये पूरा नीचे गया हुआ है, पैंड पाइप एंड ऑल. बहुत तगड़ी साउंड है इसकी. सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रक वही है जो आपने टर्बो एक्सट्रीम की वीडियो में देखा होगा. जैसे टर्बो एक्सट्रीम बोला था, बहुत ही हैवीली मॉडिफाइड, ये वही ट्रक है. सो ये हमारे बरेली का है. एंड बाकी बात कर लें तो आपको मैं इसके इंटीरियर्स दिखाता हूँ, कितने प्यारे हैं. सो अभी है मरान के अंदर और आपको मैं सारे इसके इंटीरियर्स दिखाता हूँ. सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की. सो इसका स्टेयरिंग सीधा थाईलैंड से है, ये पूरा मॉडिफाई कराया हुआ है. इस एक्चुअली ट्रक में पूरा अराउंड 9 to 10 lakhs का अलग से मॉडिफिकेशन है. ये जो आप देख रहे हो, ये साउंड का जो मतलब इसका हॉर्न है, उसका प्रेशर के लिए है, चेक करने के लिए. उसमें बहुत सारे साउंड के अलग अलग मॉड्स हैं. एंड यहाँ कुछ अलग अलग ये चार्जर वगैरह लगा हुआ है. एंड नीचे यहाँ पे ये जो मॉड लगा, ये पावर का मॉड है कि जिससे आप इसे एक नॉर्मल मोड, एक स्पोर्ट्स मोड पे चला सकते हो. बहुत जब स्पोर्ट्स मोड पे बहुत ही अच्छी पावर आती है, डिलीवर करती है. रेस्ट आप पीछे ये सारे स्टिकर्स लगे हुए देख सकते हो आप. और ये जो जितनी सीटिंग वगैरह हुई है, ये सब कराई हुई है अलग से, जैसे कि देख सकते हो आप. ये जितनी सीटिंग है सब स्टॉक से हटा के मॉडिफाइड है. इसका साउंड सिस्टम इतना अच्छा है कि एक स्पीकर आपको यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक उस जगह पे है और एक उस जगह पे है. तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आपको दिखाता हूँ इसकी सनरूफ, विच इज वर्थ 3.5 lakhs. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड विल कम विद मोर ऑसम ब्लॉग्स. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं अगले ब्लॉग में.